तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एलिजेबेथन एज ठीक है एलिजाबेथन एज uh, मतलब एलिजाबेथन एज के टाइम की पोइट्री तो ये टॉपिक स्पेशली है वैसे तो कोई भी पढ़ सकता है जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है पर स्पेशली ये यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी में बी ए फिफ्थ सेमिस्टर बी ए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का उसका टॉप उसकी यूनिट फिफ्थ का इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसा टू रेनाइसेंस का जो टॉपिक है हमारा एलिजाबेथन पोइट्री और बाकी जो यूनिट्स हैं वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी एक अलग प्ले बनी हुई है पेपर फर्स्ट की तो वो आप जाके देख सकते हैं तो हम देख लेते हैं अब इसका क्वेश्चन देखते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा ठीक है कॉन्सेप्ट भी तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री एलिजाबेथन पोएट्री की विशेषताएं बताइए मेन आंसर इसका द मतलब विशेषताएं दैट पार्टिकुलरली डिस्टिंग्विश एलिजेथन पोइट्री मतलब डिस्टिंग्विश मतलब होता है जो अलग करती है ऐसी विशेषताएं जो एलिजेथन पोइट्री को अलग करती हैं स्पेशली लिरिक्स लिरिक्स मतलब गीत एंड आर फ्लुएंस फ्रु, फ्रु, फ्रुण्स मतलब मतलब फ्लुएंसी स्वीटनेस माधुर्य मधुरता ठीक है मेलोडी भी माधुर्य होता है एंड इन एथोसिएस्टिक जॉय इन लाइफ लाइफ में एक उत्साह जीवन में उत्साह दिखाया जाता है इन पोइट्रीज में विच आर स्पॉन्टेनियस मतलब सहज डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से एंड स्टेंस इंस्टेंस मतलब तीर्व जो जिसका प्रवाह और मतलब सहज होता है और प्रवाह उसका आ, मतलब डायरेक्ट होता है और इंटेंसनेस और तीर्व होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से हु वेयर द मेजर पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन पोयट्री एलिजाबेथन पोइट्री के मेजर पोइट्स कौन से हैं राइटर्स कौन से आंसर इसका द मोस्ट नोटेबल पोइट्स ऑफ दिस एरा इस एज के मोस्ट नोटेबल पोइट्स कौन कौन से हैं इंक्लूड्स एंडमर्ड स्पेंसर एंड सफलिडने ये दो मेजर मतलब मेन पोइट्स हैं एडमंड स्पेंसर और सर फिलिप सिडने एलिजेथ हर सेल्फ इलिजेथ खुद मतलब एलिजेथ एक राइटर्स थे उन्हीं के नाम पर इस एज का नाम रखा गया था ठीक है एलिजेथ खुद आ प्रोडक्ट ऑफ रेनाइसिस ह्यूमेज्म मतलब इन्होंने ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दिया था ठीक है मानवदाता को मानवता को प्रोड्यूस्ड ओकेशनल पोएम्स सच एज इन्होंने ए, काफी अच्छी पोएम्स लिखी हैं जैसे कि ऑन मॉन्स्यूर ऑन मॉन्स्य डिपोर्चर डिपॉर्चर एंड द डाउट ऑफ फ्यूचर फोर्स ये दो पोय दो पोयम्स हैं इनकी ठीक है और इनका जो मेजर पोइट्स हैं ये तीन नाम याद रखे एंडमे डिस्मसर सर फिलिपसी सिडने और एलिजेथ एलिजेथ ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर थीम ऑफ एलिजेथन पोइट्री मेन थीम क्या है एलिजेथन पोइट्री की तो आंसर है इसका सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब uh, महत्वपूर्ण थीम विषय इन द एलिजेथन सन सिक्वेंसली सिक्वेंसली मतलब लाइन से इंक्लूड लव प्रेम टाइम समय द वैल्यू ऑफ राइटिंग्स राइटिंग्स को वैल्यू देना एंड द इंटरलाइजेशंस ऑफ ब्यूटी सुंदरता का इंटरलाइजेशन करना यानी कि शाश्वतीकरण यानी कि इंटरलाइजेशन ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता का शाश्वतीकरण जो शाश्वत रहती है हमेशा रहती है नेक्स्ट लाइन है रोमांटिक लव इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम जो रोमांटिक लव है प्यार जो रोमांस है वो इसका सेंट्रल थीम है इस इसकी पोइट्री एलिजाबेथन पोइट्री का मैनी सननेट्स अनेक सनेट्स ऑफ द एलिजेथन इरा इस एज के अनेक सन्नेट्स जो होते हैं रोट अबाउट द फरस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टेड लव मतलब क्या हुआ इस इस इरा में जो ऐसे सनेट्स लिखे गए हैं जिसमें अपर्याप्त लव के बारे में लिखा गया है ठीक है अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे डलते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है और वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना हु वेयर द पोइट्स ड्यूरिंग एलिजथन पोएट्री इसका मतलब हुआ कि एलिजेथन पोएट्री के टाइम जो कवि थे जो पोइट्स थे वो कौन कौन थे ठीक है द एजथन इरा मतलब एलिजबेथन इरा में स्पेनिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजेथन फर्स्ट मतलब कोइन एलिजाबेथ जो थी उनके शासनकाल तक फैला हुआ था एलिजेथन पोएट्री फ्रॉम द फिफ्टीन फिफ्टीन ए टू सिक्सटीन जीरो थ्री तक ठीक है कहाँ से कहाँ तक पाँच सौ वो पंद्रह सौ अट्ठावन से सोलह सौ तीन तक वाज द गोल्डन ऐज ऑफ इंग्लिश पोइट्री इंग्लिश पोइट्री की गोल्डन ऐज कहलाइए सुनहरी सुनहरा काल कहलाया है वो दैट विटनेस्ड जो जो विटनेस है द इमरजेंसी ऑफ इमरजेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स जिसमें बहुत सेलिब्रेटेड पोइट्स उभरे मतलब बहुत शानदार कवि उभरे इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसमें इंग्लिश लिटरेचर के मतलब अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रोमिनेंट अमोंग दैम वाज विलियम शेक्सपियर जिनके बीच एक विलियम शेक्सपियर थी शेक्सपियर भी थे विलियम शेक्सपियर हु सनेट्स एंड प्लेज जिन इनके सनेट और नाटक नॉट ओनली शेप्ड द कोर्स ऑफ ड्रामा ना कि सिर्फ नाटक को मतलब ड्रामा को शेप्ड ही नहीं दिया मतलब आकार ही नहीं दिया बल्कि बट आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वर्ड ऑफ पोइट्री बल्कि इनका बहुत योगदान रहा है मतलब वर्ड की पोइट्री में यानी संसार की पोइट्री में क्रिस्टोफर मार्लो अनोदर ल्यूमिनेरी ऑफ द पीरियड इस पीरियड के अन्य जो अनोथर मतलब ऑथर हैं वो हैं क्रिस्टोफर मारो पेंड पावरफुल वर्कस लाइक डॉक्टर फस्टस एंड हीरो एंड लियडर जो इनका वर्क है वो क्या है डॉक्टर फस्टस एंड हीरो एंड लियंडर है नेक्स्ट है हमारे राइटर सर फिलिप सिडने नॉन फॉर एस्ट्रोफल एंड स्टेला एस्ट्रोफल इनका वर्क है और स्टेला के लिए ये जाने जाते हैं सर फ़िलिप सिडने एंड एडमंडसर विद हिज इपिक पोयम महाकाव्य के लिए जाने जाते हैं जो है फे द फेरी कोईने मेड सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है एडिशनली बेन जॉनसन थॉमस वे एंड सर वॉल्टर रिले वेयर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ईच लिविंग आ यूनिक इम्प्रिंट ऑन एलिजेथन पोइट्री जो ये इसके अलावा जो बेन जॉनसन हैं थॉमस व्यार्ट राइटर हैं जो सर वॉल्टर रेले हैं इन्होंने एक इन्फ्लुन्शल महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है एलिजेथन पोइट्री पर ठीक है दिस एरा इस एरा में सो आर रिच ब्लैंड ऑफ सनेट्स सन्नेट्स का रिच ब्रांड मिश्रण देखा गया है कौन कौन से सनेट्स का पोस्टल पोइट्री यानी देहाती पोइट्री का एंड हेरोइक वर्स का हेरोइक वर्स वीरता पूर्ण जो पोइट्री होती है उनका रिफ्लेक्टिंग द कल्चर विब्रेंसी एंड इंटेलेक्चुअल फेरवेयर ऑफ द टाइम उस रिफ्लेक्ट करता है जो किसके कल्चर फेबरे को कल्चर फ्रीग्रेंसी मतलब सांस्कृतिक जीवंतता एंड इंटेलेक्चुअल मतलब फेरवर मतलब बौद्धिक उत्साह को दर्शाता है उस ठीक है प्रभावित करता है रिफ्लेक्ट करता है एलिजेथन पोइट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर जेनरेशंस विद इट्स टाइमलेस थीम एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस टाइमलेस थीम मतलब शाश्वत विषयों एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस मतलब कलात्मक कलात्मक जो होता है मतलब कला से रिलेटेड ठीक है एलिजथन पोइट्री जो है वो हमारे जनरेशन को इंस्पायर करती है पीढ़ियों को इंस्पायर अब तलक करती है किसके लिए शाश्वत आ, शाश्वत थीम से यानी विषयों से एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस कला से अपनी कला से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सनेट सनेट क्या ट्रेस इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ सनेट इन एलिजाबेथन एज एलिजाबेथन एज में सनेट के विकास का आ, विकास के बारे में बताएं कि उसका विकास कैसे हुआ तो इसका आंसर है द सनेट इज अ शॉर्ट लिरिकल पोयम ऑफ फोर्टीन लाइन्स जो सनेट है वो एक लिरिकल पोयम है और जो कि है फोर्टीन लाइन्स की ठीक है द सनेट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री इन दिक्कटीन सेंचुरी जो, जो जो मतलब ये सनेट जो है वो बनी थी बहुत पॉपुलर हुई थी कब हुई थी सिक्सटीन सेंचुरी में ठीक है एवरी पोइट वॉज अटेम्प्टेड मतलब प्रयास किया टू बी आज सन्नेटियर जो, जो प्रत्येक कवि ने प्रयास सन्नेटियर बनने का प्रयास किया ठीक है द मोस्ट नोटेबल सन्नेट मतलब जो सनेट लिखते हैं उनको बोलते हैं सनेटियर ऑफ द पीरियड इज़ सर फिलिप सिडने सर फिलिप सिडने थे एडमंड स्पेंसर थे हेनरी कॉन्स्टेबल थे एंड शेम्यूल डेनियल थे यह मिकेल ड्रेटॉन थे एंड द विलियम शेक्सपियर थे ठीक है जो ये सन्नेट लिखा करते थे ये सारे राइटर्स सर फिलिप सिडने कम्पोज लव सनेट ऑफ ग्रेट मेरिट फॉर हिज बिलव्ड पैनल ऑफ डेवेडक्स पैनल ऑफ़ इनके कोई थे बिलव्ड मतलब पिले थे उनके लिए इन्होंने लव सनेट लिखे हैं ठीक है दीज वेयर पब्लिश्ड इन द जो पब्लिश हुए हैं सन्नेट सुकेंस मतलब एक अनुक्रम में एस्ट्रोफल एंड सेटेला में ठीक है प्रकाशित किस में किए गए हैं एस्ट्रोफल एंड सेटेला में फिफ्टीन नाइन्टी थ्री में आ कलेक्शन ऑफ वन हंड्रेड एट सन्नेट जो एक सौ आठ सन्नेट्स का कलेक्शन है ग्रुप है स्पेंसर स्पेंसर जो है राइटर उन्होंने पब्लिश्ड एट्टी एट्टी एट सन्नेट्स किए हैं एट्टी एट सन्ट्स इन एमओी इन एमओटी में ठीक है डोटोन सनेट मतलब ड्रियोटॉन के सनेट सिक्वेंस जो उनका अनुक्रम है डेटोन के सनेट्स का वो है आइडियाज मिरर ठीक है आइडियाज मिरर में हैज़ ओनली फिफ्टी वन सनेट जो फिफ्टी वन सनेट का ग्रुप है ठीक है शेक्सपियर्स रोट मोर देन वन फिफ्टी सनेट्स ऑफ लव और जो शेक्सपियर राइटर हैं उन्होंने एक सौ पचास से ज़्यादा सनेट लिखे हैं प्रेम कथाओं पर ठीक है प्रेम पर और सन्नेट होते क्या है वो हमने पहले ही देखा है फोर्टीन लाइन्स का लिरिक पोय होती है ठीक है ये तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और इस टॉपिक पर अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मतलब जो आपका पैटर्न है वैसे तो एमजेपीआरयू का जो एग्जाम चला हैं उनके लिए तो यही काफ़ी था जो मैंने करवा दिया है बाकी आप देख लीजिएगा ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है राइट नोट ऑन ब्रीफ पॉपुलर ऑफ इन सनेसठन सेंचुरी इन एलिजथ एनेच वो शॉर्ट क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड सनेट से रिलेटेड और ये लॉन्ग क्वेश्चन है दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसमें और भी तो वो आप पी में देख में ठीक है अगर मैं इस टाइम पढ़ाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी और चैनल को उससे जुड़ जाए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी ठीक लगी हो समझ में आया हो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग